हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है एक बहुत ही स्पेशल डे और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो स्पेशल डे। क्या है बेबी आज? आप बताओ क्या है, क्या है? आज है हमारी एनिवर्सरी। हमारी शादी को हो चुके हैं 5 साल। आज के दिन ये लड़का घोड़ी चढ़ा था, तो हम बस उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली घर से तो जल्दी जल्दी में निकल चुके हैं, मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ अभी। मैं थोड़ी देर में गाड़ी में रेडी होने वाली हूँ। और आज हम जा रहे हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कि एक बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी है ना? बर्ड सेंचुरी थी पहले, अभी नेशनल पार्क बन गया। हाँ, नेशनल पार्क है, वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं और बहुत अच्छी जगह है फोटोज क्लिक करने के लिए, देखने के लिए, विजिट करने के लिए। तो आज हम वहीं जा रहे हैं। मैं आपको ना ये गेट के बाहर आके दिखा रहा हूँ, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये बोर्ड है और यहाँ पे साइड में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, मैं दिखा दूँ, जिसमें टिकट के प्राइस लिखे हुए हैं। इंडियन एडल्ट्स 5 रुपीज़, फॉरनर 40 रुपीज़, कार पार्किंग, जीप पार्किंग 10 रुपीज़, मोटरसाइकिल 5 रुपीज़। ये एक और नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि सुबह 7 बजे खुलता है और 4:30 बजे बंद हो जाता है। ये ध्यान रखेगा कि ट्यूजडे को मत आइए, बंद रहता है। ये पार्किंग आप देख सकते हैं, पार्किंग एम्पल सफिशियंट कार पार्किंग स्पेस है, मतलब इतनी बड़ी पार्किंग है, आराम से आप बस में आ जाओ, ट्रक में आ जाओ, कैसे भी आ जाओ आप। ये मेरी टिकट है, आप देख सकते हैं, 20 रुपीज़ है। ये आप अंदर एंट्री कर रहे हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क का बोर्ड है जिसमें डिटेल्स है। ये टिकट काउंटर है। चलिए अब अंदर की तरफ रुख मोड़ा जाए, बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है। ये मेरी बेगम साहिब है, मेरी बीवी, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी। ये देख सकते हैं, वेलकम टू सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये जो है बेसिकली जो है ना सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जिसे पहले सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहा जाता था, 1991 में इसका नाम बदला गया। ये रूट मैप आप देख सकते हैं, इस पर 3.5 किलोमीटर का रूट है जो अभी हम कवर करेंगे। ये गेट है, यहाँ से शुरुआत होती है और ये कुछ डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं कि हम अभी आ गए हैं सुल्तानपुरी नेशनल पार्क और हमने जस्ट अभी यहाँ पे शुरू किया है। ये 3 किलोमीटर लंबा पार्क है और जस्ट हमने अभी अपनी वॉक शुरू की है और बर्ड्स की थोड़ी थोड़ी चिरपिंग की आवाज़ भी आ रही है। और देखते हैं हमको आज क्या क्या देखने को मिलता है। एनिवर्सरी के दिन हम जंगल में, एक्चुअली हमारा ओरिजिनल प्लान तो था जिम कॉर्बेट जाने का, वहाँ पर सफारी करने का, बट क्योंकि अभी थोड़ा विंटर्स की जस्ट स्टार्टिंग है और अभी दिवाली का पॉल्यूशन भी चल रहा था दिल्ली में, तो इस वजह से जवान जो कि थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, तो हमने थोड़ा वो अवॉइड करने का ही सोचा कि क्योंकि हमको फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए इसके लिए, तो हमने सोचा कि हम उसमें ये भी प्रॉब्लम था ना, उसकी वो भी तो नहीं मिल रही थी, क्या बोलते हैं, उसकी जो रिजर्वेशन है वो भी नहीं मिल रही थी। हाँ, उसका एक तो जिस डे जिन डेज पे हमको रिजर्वेशन चाहिए था वो वाले डेज पे उसकी रिजर्वेशन भी नहीं मिल रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम यही कर लेते हैं। क्या हो गया, नेशनल पार्क ना सही, छोटे वाले पार्क भी चलेगा, समथिंग बेटर देन नथिंग। यस, नहीं देखिए, नेशनल पार्क वो भी है, नेशनल पार्क ये भी है। हाँ, फर्क सिर्फ वो है कि वो टाइगर्स का है, ये बर्ड्स का है। yes. और जानवर वो भी है, जानवर ये भी है, और हरियाली तो देखो कितनी गजब की है। ये बहुत ही अच्छी जगह है। आजकल तो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन चल रहा है, तो उसके कंपैरेटिवली तो इतनी साफ सुथरी क्लीन जगह है, ग्रीनरी तो बहुत अच्छी जगह है। और मेरा बच्चा आज कितना हॉट लग रहा है, सुंदर लग रहा है, गजब। थैंक यू। और आज अभी हम यहाँ पे अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करेंगे, वीडियोस क्लिक करेंगे और साथ में आपको भी ये नेशनल पार्क घुमाने वाले हैं। मेरे को तो बड़ी अच्छी जगह लगी, घर के बिल्कुल पास में है, एक घंटे की ड्राइव थी और आसानी से पहुंच गए। मस्त थोड़े से रास्ते एंड में ना थोड़े ऊबड़ खाबड़ थे, तो मेरे एक टायर की थोड़ी हवा डाउन हो रही है, मैं जाते हुए ओवर हुआ। कोई नहीं, खरा तुम भी हो जाएगी तो आपसे धक्का लगवा लेंगे हम। वो देखो वो ले पाएगा, दिखेगा वहाँ से जब हम जाएंगे ना, जब वो जाएंगे तब दिखेगा, वो वहाँ आएंगे हम तब जाएंगे। यहाँ पे सब लोग प्रोफेशनल ही आते हैं वो बर्ड्स फोटोग्राफी करने के लिए। ये अभी लेक वाला पार्ट शुरू हो चुका है, ये एक्चुअली पूरा जो है इस लेक के सराउंडेड ही है और अभी तक हमको बर्ड्स की आवाज़ तो आ रही है लेकिन ऐसा कोई खास पर्टिकुलर दिखा नहीं है और एक्चुअली हमको पहचान भी नहीं कि कौन सा मैं एक बर्ड हूँ। हाँ, आप तो बहुत ही जंगली जानवर, आप तो बहुत ही जंगली जानवर हो। मुझे तो इनसे ही बहुत डर लगता है। अरे वेट वेट वेट, पता है एक वीडियो में ना वो सामने आ गई थी। हाँ, किसी के सामने डर नहीं लगा उसको? फिर डर तो लग ही रहा था उसको। वेट 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 वेट, देखिए ज़ूम इन होगा, हो गया। यहाँ पे सब जगह ये बर्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेटिव पेजेस लगे हुए हैं जिसे रीड करके आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मेरे को तो एक्चुअली ये जगह बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ग्रीन, शांति और इतना प्यारा मौसम, इतना ठंडा ठंडा, इवन हम दोनों विंटर्स के लिए हल्का फुल्का, क्योंकि अभी जस्ट दिल्ली में विंटर स्टार्ट ही हुए हैं तो हम थोड़ा सा विंटर मैं जैकेट पहन के आई थी, दिवांशु तो हुडी पहन के आए थे, तो कि भाई थोड़ा सा हाँ कहीं ज़्यादा कुछ वो हो, लेकिन बहुत अच्छा मौसम है, हल्की हल्की धूप है, हल्का हल्का सा अच्छा मौसम। तो नीम का पेड़ है, तू दातुन कर ले।
पहले दातुन तोड़ दूँ, इतने दही तोड़ दूँ इन पानी में ना, धक्का मार मार के यहीं गिर दूँ। तो यही कर बस, तेरी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। ऊपर आप देख पा रहे हैं दिस इज द वॉच टावर, ऐसे जा रहे हैं यहाँ पे, बट क्या कहा ये जा रहा था कि तीन बंद है कोरोना की वजह से, बट दिस वन इज ओपन, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। ऊपर जाके देखते हैं व्यू के साथ है। ये यहाँ से तो ये लेक का इतना अच्छा व्यू आने वाला है, लेकिन तीन फ्लोर का है, चढ़ेंगे कैसे? जैसे चढ़ते हैं वैसे। चीकू के लिए, चीकू ये चीकू के लिए। हेलो, मैं जंगली ये पेड़ पौधे नहीं लूंगी, कुछ हो गया मुझे, जहर हुआ इसमें, मर गई तो मैं। थैंक यू, बट ये जंगली होगा। नो 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 नो, ये तेरी साजिश है ना मुझे जंगल में लाके मारने की। क्यों गंदी बातें करता है? और क्या, मैं जंगली पेंट क्यों दे रहे थे, मेरे को भरोसा नहीं है। हेलो, मेरी जान मुझे बहुत प्यारी है, मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं मरना, अभी मुझे दुनिया घूमनी है। ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है चारों तरफ। ओह माय गॉड, दिस इज गुड वन। थैंक्स चिकू, आप मुझे इतनी अच्छी जगह लेके आए, मुझे एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था कितना अच्छा व्यू होगा। एक जगह नीचे नहीं है लकड़ी, एक्चुअली यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है। हाइट से डर लगता है, मैं बंजी जंपिंग क्या करूंगा? एक ट्रायल ले, धक्का दे दूं नीचे, मैं तो पकड़ के खड़ा हूं, मुझे डर लग रहा है। ये हमारा ऑलमोस्ट कितना हो गया बेबी, अभी शायद 600-700 मीटर ही हुआ है। हाँ, 600-700 मीटर हो गया, लेकिन इतनी अच्छी जगह में तो बड़ा अच्छा। वर्थ वाचिंग, यस, वर्थ कमिंग, वर्थ। और हम बेस्ट सीजन में आए हैं ना, गर्मी है ना ज्यादा विंटर है, तो नवंबर में आना इज द बेस्ट। लेकिन यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगी कि आप मॉर्निंग के टाइम आए या इवनिंग के टाइम आए, तब ज्यादा मे बी बर्ड्स के ज्यादा अच्छे व्यू आते होंगे ना बेबी। हाँ जी, आप ये भी बता दें कि मार्च से नवंबर तक तो बंद ही रहता है, ये साल में 6 ही महीने खुलता है, जैसे मुगल गार्डन है दिल्ली का, एक ही महीना खुलता है, एक ही माह खुलता है साल में, तो उस प्रकार ये है कि 6 मंथ्स ही खुलता है। लेकिन अब जाएंगे कहाँ, इधर जाना है कि इधर जाना है? आई थिंक वो ये शायद शॉर्टकट होता होगा मेरे हिसाब से, यही होगा मेन। लेकिन यहाँ पे वो बोर्ड्स तो लगे नहीं है, होंगे बोर्ड्स, थोड़े थोड़े गैप में आएंगे ना। और यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़े से लोग आते होंगे या मे बी कोई ना भी मिले, बट नहीं, बहुत सारे लोग हैं। ये लंबे वाला रूट लेते हैं एक्चुअली, हम तो यही करने आए हैं, यही देखने आए हैं, तो आज हम पूरा एक्सप्लोर करके जाएंगे, सारे रूट वो करके जाएंगे। अच्छा, सच्ची कह रहे हो? हाँ सच्ची, मैं ये कि फैमिली वाले लोग आए हुए हैं, फैमिलीज के साथ आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं भैया के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी शीट्स भी पड़ी है जो इस लड़के ने की है। नो, ये तेरी है, तेरी है ये, झूठ मत बोल। भाई इस लड़के को इतनी फालतू बकवास करनी होती है ना, पूरा रास्ता इसने मुझे कोई जंगली जानवर दिखे तो कहते ये तू है, ये तू है, कोई शीट दिखे तो ये तू है, ये तेरी है। भाई देख, वो देख क्या क्या क्या, अरे वो कितना अच्छा नजारा बता रहा हूँ, देख बर्ड्स, बर्ड्स यहाँ से देखना, देखो वाओ, लुक एट इट, देखो ना, पता नहीं कैमरे से तो हमारे से दिखेगा नहीं। रुको, मुझे मुझे और मेरे कैमरे को दोनों को दिखाया करो, ऐसे नहीं। देखो मुझे तो दिख रहा है, यहाँ से आइलैंड टाइप है बीच में। यस यार, मेरे को तो इमली इमली के पेड़ देखे, नहीं इमली का नहीं हो, ऐसे बचपन के दिन याद आ जाते हैं, दिल करता है एक आध इमली तोड़ ले। हेलो, देखो ये हम जंगल में घूम रहे हैं, प्लीज तो इधर उधर कुछ भी तोड़ के खा पी मत लेना, पता चला कुछ भी जहर वहर खा लिया यहाँ पे। अरे नहीं, इमली की बात कर रहा था मैं, इमली का तो आदमी। अरे अंकल के पास गन है? मुझे लगा अंकल के पास गन है, शिकार तो करने ही आ गए। गन वन तो मेरा भी नहीं था। दैट वाज अ ट्राइपॉड। विंटर्स में सही है ना एक्चुअली, भैया समझ में आती है एक्चुअली, ये जगह इतनी अच्छी है, यहाँ पे लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफी करने आते हैं, हमको कुछ बर्ड्स वर्ड्स दिखे तो हम भी करेंगे, वैसे तो हमको पहचान ही नहीं है बर्ड्स की बेचारे, कुछ फोटोज तो अच्छी आ जाती है। अच्छी फोटो नहीं ली थी? हाँ, वो अभी बहुत अच्छे फोटोज ली थे। ये अभी इतना सारा जंगल में घूमने के बाद हमको कुछ जानवर मिले हैं, जान पहचाने लोग, हमें कुछ जाने पहचाने लोग मिले हैं। यस, देख ले बेबी, कोई है तेरे जैसा, कोई है तो नहीं आपके जैसा? हाँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। हाँ यार, तू अपने फ्रेंड्स को छोड़ के अकेला अकेला घूम रहा है, तुझे उनके साथ नहीं आना चाहिए। वो देखो वाले मुझे देख रही है, और इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि तेरे से शादी कर ले। चल मारूंगी, ये क्या है? अच्छा अच्छा, सेट कर ले इसको, सही लड़का। अच्छा, इसीलिए आपने मुझसे शादी कर लिया? इसलिए तो मैं आज अपनी एनिवर्सरी के यहाँ लेके आई हूँ आपको, कि इनके साथ रह लो, अगर ये लड़की से सही सेटिंग नहीं हो रही हो तो रह लो, वापस चले जाएंगे।
ये मेरा ब्रो अभी थक गया है और अभी हमने वाटर ब्रेक लिया है। वाटर ब्रेक भी होता है एक्चुअली। पता क्या हुआ, हम ना लंबे वाले रास्ते से आ रहे थे क्योंकि हम तो ऐसे आए थे फुल प्रिपरेशन में, शूज वूज पहन के कि हमको लंबा जाना है। तो हमारे पीछे एक फैमिली थी, वो हमको फॉलो करते करते हमारे पीछे चली जा रही है। अभी रास्ते में वो किसी से पूछ रहे थे, भाई और कितना लंबा है, बेचारों ने हमारे पीछे आके इतना लंबा पड़ गया उनको। एक्चुअली हमने सबसे लॉन्गेस्ट रूट लिया है। ये फिर यही है ना, यहाँ आओ तो आदमी अच्छे से देखे, इंजॉय करे। वाह देख छाँव में ब्रो कितना अच्छा लग रहा है छाँव में। बट छाँव का मजा अपना ब्रो, आप यहाँ पे कोई फूड नहीं लेके आ सकते हो, बस अपनी वाटर बॉटल लेके आ, पानी अलाउड है। बाकी ये है कि कैडबरी वेडबरी कुछ चॉकलेट वॉकलेट जेब में छुपा के थोड़ी बहुत ला सकते हो। जैसे कि रुको मैं दिखाता हूँ, मेरा खत्म हो गया शायद, मैं माउथ वेस्टर लेके आया था कल रात में, मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया था तो बच गया था। ओ घोसला, चिड़िया का घोसला। आप ये घोसला देखने के लिए इतनी दूर आए हो? सो मच पैशनेट। यस, मैं तो एक्सपीरियंस लेने आया हूँ भाई। हम ट्रैवलर हैं, हमें नशा है, हम नशेड़ी ट्रैवलर्स हैं और पूरी जिंदगी ट्रैवल करते हैं। जैसे हमने एक एनिवर्सरी के लिए बहुत अच्छा ट्रिप चाहिए था, एक मेमोरेबल चीज, तो एक मेमोरेबल स्पॉट है। हम मुझे आउट ऑफ फ्रेम कर देते हो बार बार। ओके सॉरी, मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ। सॉरी चाली, ये तेरा घर आ गया ब्रो। चल बाय, यहीं ड्रॉप कर दूं। बाय। हाँ ये मेरे ब्रो का घर है। वो वहां से गेट है बेचारे के घर में, दर वो खिड़की और दरवाजे भी नहीं है। वो जो तेरे फ्रेंड्स थे उनका घर ही है, तेरा ही घर है, यहाँ तो आता था पिकनिक मनाने। ये ना रशिया अफगानिस्तान यहाँ से इतनी दूर दूर से बर्ड जो है माइग्रेट करके इंडिया में ऐसे जगह पे आती है। ग्रासलैंड्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, मतलब ये नेशनल पार्क हो गए, बर्ड सेंचुरीज, ये क्योंकि बनाई ऐसी जगहों पे जाती हैं जैसे ये है। अब रशिया भारत से कितनी दूर पड़ता है तो वहाँ से आती है, और मुख्य तौर पे आप जनवरी और फरवरी के महीने में अगर आएंगे ना तब आपको मैक्सिमम ये पंछी आपको दिखेंगे यहाँ पे। दैट्स नाइस। ये अभी हम यहाँ से आ रहे थे, ये मेरा ब्रो है दया, पता था दया, क्या है ये दया। यहाँ अभी हमने जाना है तो ये बीच रास्ते में हमें ना कुछ ऐसा दिख गया, ये आप देखें स्कल, ये हड्डियाँ वगैरह हैं जानवर की, ये दांत है, ये देखें, पता नहीं अभी कौन सा जानवर है, अभी ये तो नहीं पता, बट क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं भैया ये इसके दांत वात होंगे। बाप रे, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, यही बोल सकते हैं। ये इसके और पड़े हुए हैं ये हड्डियाँ वड्डियाँ, बाप रे। ये मैं अभी चढ़ रहा हूँ ये सेकेंड वॉच टावर के ऊपर, और ये वाला मुझे थोड़ा सही लगा। एक्चुअली लास्ट वाला ना लकड़ी का था, ये देखें आप, ये स्टील का है, तो ये मेटल है, मेटल पे डर नहीं लगता भाई, थोड़ा घबराहट घबराहट कम होती है थोड़ा सा। इस पे मैं आराम से खड़ा होकर फोटो वीडियो ले सकता हूँ। लास्ट वाला लकड़ी का था तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, थक जाते हैं। अब इसमें ये वाला पार्ट देखें आप, ये वाले तो सही है, सॉलिड है जैसे, बट ये वाला पार्ट ना यहाँ पे जैसे थोड़ा, मैं रेलिंग पकड़ लेता हूँ एक बार, ये देखें आप कमज़ोर है, पतला है, तो यहाँ पे भैया केयरफुल रहिएगा। ये इनको थोड़ा मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए क्योंकि बच्चे एक्साइटमेंट में कोई देखे ना देखे, भैया कोई गया नीचे तो बस फिर सीधा ऊपर जाएगा, नीचे से पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। इसके नीचे फर्स्ट फ्लोर, वहाँ जाएगा। अच्छा ओके, फिर देयर इज नथिंग टू वरी। ओ मैन थक गया मैं तो भाई, बट एक बात है यार, नेचर की ताकत कमाल है। हम इंसान कितनी साइंस टेक्नोलॉजी कुछ कुछ बड़ा 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 आई एम दिस आई एम दैट आई एम दिस आई एम दैट कर ले, नेचर के सामने जीरो है, शून्य। क्या बोलता है? यस, मुझे बात अच्छी लगी है जी। हम पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कौन सी पार्टी हो रही है? यहाँ हमारी वाली पार्टी हो रही है। आज मेरा आज मैंने मैं हूँ, ये मेरा बेबी है और यहाँ पार्टी हो रही है, और ये जंगल है और यहाँ पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसे ही किसी एक दिन हम आगे चल के जिंदगी में कहीं अफ्रीका के किसी नेशनल पार्क में होंगे। लाइफ यही तो है यार, और क्या, कितना मजा आया। नहीं नहीं जगह देखो, ये आज नेशनल पार्क में आया, मैंने नहीं देखा कभी नेशनल पार्क, मैं ट्रैवल करता हूँ काफी बट नेशनल पार्क नहीं देखा। तो इसके बाद हम नेशनल, वो जो बड़े वाला पार्क होता है ना, जो जंगल सफारी वाला पार्क होता है, इसके बाद हम नेशनल पार्क वो वाले जाने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम जाएंगे सीधा अफ्रीका, जहाँ इसको मैं डेफिनेटली छोड़ाऊंगा। मैं भी वही कहने वाला हूँ, आपको छोड़ के आऊंगा, आप मुझे छोड़ के आओगे, मैं आपको छोड़ के आऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखें पीछे ग्रीनरी यार, कमाल है पाजी, जस्ट लुक एट द ग्रीनरी।
एक्चुअली अभी वीडियो बना रहे थे, रील्स बना रहे थे, और ये लड़के के मेरे बीबी के पैरों में कांटा लग गया। बच गया, बाप रे। हाँ बीबी, चलो वैसे थोड़ा सा जस्ट टच हुआ है, वो फुटवेयर में फंस गया था आपके, अदरवाइज इतना गंदे वाला लगता। और कैसे चलते हो आप? मैं आपको अपने कंधे पे उठा के ले जाती। नो, नहीं, इतना भी कमजोर नहीं है। इस बार जब हम मेरी मम्मी के घर गए थे, इस लड़के ने मेरी इतनी बेइज्जती की थी वहाँ, इसने मेरी मम्मी को इतनी कंप्लेन करी थी कि आपकी बेटी इतनी फोटो खिंचवाती है ऊपर नीचे आगे पीछे। आज मैं उन सब चीज़ों का पूरा बदला लूँगी। आज मैं यहाँ वहाँ चढ़ चढ़ के, सब जगह चढ़ के मैंने इस लड़के को बिठा बिठा के आज मैंने आपसे पूरी फोटो खिंचा ली। आप बस केयरफुल रहें, बस गिर ना जाना, बाकी मैं ठीक है। अच्छी जगह, वैसे अच्छी जगह, और आप काम भी अच्छा कर रहे हो। नहीं नहीं, आप काम अच्छा कर रहे हो। थैंक्स बड़ी। ये लेक है, सुल्तानपुर लेक बेसिकली जो इसके अंदर था। अभी बस आई गेस ये पार्क तो हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। वैसे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ही बचा है, बट पता नहीं है, बहुत लंबा है तो हो सकता है कुछ ज़्यादा भी बचा हो। वैसे हमने तो अपने हिसाब से बेस्ट रूट लिया था, सबसे लंबे वाला रूट पूरा कवर किया हमने। और अभी ये लेक बिल्कुल हमारे पास में आ चुकी है, और इस साइड में पीछे है रिजॉर्ट, यहाँ पे आप रात को स्टे भी कर सकते हो। वैसे हमने सोचा था एक बार स्टे करने का, बट हमने फिर रूम्स देखे तो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, और थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे भी थे, और इतने वर्थ इट भी नहीं थे ना। वो एक्चुअली वर्थ इट ही नहीं थे, वो सरकारी क्वार्टर टाइप थे, उसमें रह के मजा नहीं आता। हाँ, और इतने आप पे कर रहे हो इतने ज़्यादा। ये जो है ना, ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट सी बनाई हुई है सामने जो आप देख रहे हैं, ये थोड़े थोड़े गैप पे है हर, जैसे समझे आप 500 600 700 मीटर पे। और ये बस एग्जिट हो गया अभी हमारा, हमारा एग्जिट हो गया, इसलिए मैंने मास्क पहन लिया। मैंने भी मास्क पहनना है अभी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये है वो ई रिक्शा जो कह रहे थे, पता नहीं अभी तो मेरे को चलती हुई दिखी नहीं। हाँ, कह रहे थे ऐसा कहीं देखा था मैंने, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये चार ई रिक्शाएँ लगी हुई यहाँ पे। अब इसके बारे में तो कुछ डिस्प्ले था ही नहीं कि क्या है, अवेलेबल है नहीं है, शायद बंद है मेरे हिसाब से। हम ये वाले रास्ते से गए थे, और पूरा बड़े वाला राउंड लेके, इसके बीच में से भी एक कट जाता है, छोटा रास्ता है, लेकिन हमने वो नहीं लिया था, हमने पूरा बड़े वाला सर्कल कट करके यहाँ पे आया, पूरा गोल राउंड करके। हाँ जी, चले बस अब। हाँ, एंड कितना टाइम लगा मेरे ख्याल से, हमको 1.5-2 घंटे लग गए। हाँ शायद टाइम। अच्छा, ये वो बता दे जो बर्ड्स का मैं बता नहीं रहा था, माइग्रेट करती हैं। ये देखो ऐसे गोल चक्कर काटती होती है, ये इस तरीके से। हाँ, मोटा मोटी सही कह रहे हैं। भैया की कहीं फोटो नहीं है तो बताइए फिर, ऐसे हल्का सा कैप्चर कर लिया तो हो गया। अच्छा, ये बटन्स आप प्रेस करेंगे ना तो इनकी आवाज़ आएगी, जिस भी बर्ड के सामने आप प्रेस करोगे उस टाइप। जैसे ये वाले का प्रेस करें आप, काम नहीं कर रहे, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हाँ करेक्ट है। अभी हम बस घर पहुंचने वाले हैं। एक्चुअली रास्ते में हमको लंच के लिए कोई खास अच्छी जगह तो मिली नहीं, तो हमने बस घर पे पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर लिया है। घर पहुँच हम भी पहुंचने वाले हैं, और हमारा पिज़्ज़ा भी पहुंचता होगा, और जल्दी से हम पेट पूजा करेंगे वो, क्योंकि हम सुबह से ब्रेकफास्ट करके ही आए थे, और अभी लंच टाइम 3 बज चुके हैं, लंच टाइम तो हो ही चुका है। और अभी जाते ही इसी के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करती हूँ यहीं पर, क्योंकि सबसे पहले मैं जाऊँगी ये वीडियो एडिट करूँगी, और आज ये वीडियो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि इसके बाद अभी तो बस रात को हम डिनर पर ही जाएंगे। आज की ट्रिप हमारी हो चुकी है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।